इंसान घर की सुख सुविधाओं से दूर बड़ी सिटीज में अपने सपनों को पूरा करने जाता है, जिसके लिए वो पीजी, फ्लैट और हॉस्टल में रहता है। हिमांशु भी अपने आंखों में कई सपने लिए नासिक के बीवाईके कॉलेज में पढ़ने आया और कॉलेज के ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हिमांशु का हॉस्टल में आज पहला दिन था। दिन भर से थका हारा हिमांशु बेड पे लेटे लेटे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आधी रात में उसकी नींद एक आवाज से खुली। ये आवाज रूम के बाथरूम से आ रही थी। हिमांशु उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने अंदर देखा तो बाथरूम का नल चालू था। हिमांशु ने नल बंद किया और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो बाथरूम का शावर अपने आप शुरू हो गया और देखते ही देखते शावर से आने वाला पानी खून के लाल रंग में तब्दील हो गया। ये देख कुछ सेकेंड तो हिमांशु घबराहट के मारे भूत बना जगह पर ही खड़ा रहा और फिर चीखता चिल्लाता सीधा बाथरूम से निकल के गिरता पड़ता हॉस्टल के वार्डन के पास गया और घबराती और लड़खड़ाती आवाज में पूरी बात बताई। हॉस्टल का वार्डन हिमांशु के साथ रूम के बाथरूम में गया तो वहां पूरी फर्श सूखी पड़ी थी। ये देख हिमांशु स्तब्ध हो गया और वार्डन ने कहा, कुछ नहीं है यहां, सो जाओ। ये कहकर वो चला गया। डरे हुए हिमांशु ने जैसे तैसे आज की रात निकाली। दूसरे दिन सुबह हिमांशु नहाने गया। नहाते नहाते शावर से आने वाला पानी अचानक इतना गर्म आने लगा कि हिमांशु का शरीर जलने लगा। हिमांशु ने झट से शावर बंद किया और देखा तो बाथरूम के अंदर धुआं आने लगा था और देखते ही देखते उस धुएं ने एक लड़के का रूप ले लिया। हिमांशु रोता बिलखता चिल्लाता बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते बाथरूम के शीशे से खून आने लगा। हिमांशु रोता चिल्लाता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पर कुछ ही देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। हिमांशु बाथरूम से इस कदर भागा जैसे किसी कैद पंछी को मुद्दतों के बाद आजाद किया गया है। हिमांशु ने हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सीधे भाग के कॉलेज चला गया। कॉलेज में सब नए दोस्त थे इसलिए हिमांशु ने कुछ बताना सही नहीं समझा। हिमांशु शाम को जब डरते डरते रूम में आया तो रूम में सब कुछ नॉर्मल था। हिमांशु बेड पर बैठकर बुक पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते हिमांशु को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। को एक चीख सुनाई दी। चीख सुन हिमांशु नींद से हड़बड़ा के उठा तो रूम में अंधेरा था और घने अंधेरे में उसे बस किसी के होने का एहसास हो रहा था। हिमांशु ने रूम की लाइट्स ऑन की तो वहां हिमांशु के अलावा कोई नहीं था। हिमांशु सोने के लिए फिर बेड पर लेट गया कि अचानक उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और फिर धीरे धीरे बेड ऊपर की ओर उठने लगा। हिमांशु चीखने चिल्लाने लगा। तभी किसी ने पीछे से हिमांशु के गले में रस्सी डाली और उसका गला घोटने लगा। हिमांशु तड़पता हुआ पैर पटकते हुए अपने आप को छुड़ा रहा था। तभी गला घोटना अचानक बंद हो गया और ऊपर उठा हुआ बेड जमीन पर आ गिरा। डर से सहमा हिमांशु इधर उधर घबराए हुए देखने लगा और तभी हिमांशु के ऊपर एक बूंद गिरी। हिमांशु ने डरते हुए हाथ लगाकर देखा तो वो बूंद खून की थी। हिमांशु चीखता चिल्लाता रोते हुए बाहर निकलने के लिए रूम का दरवाजा ढूंढने लगा तो उसने देखा रूम में दरवाजा नहीं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी। जैसे मानो दरवाजा अदृश्य हो गया हो और हिमांशु को रूम में वही लड़का नजर आया जो उसे बाथरूम में नजर आया था। वो लड़का हिमांशु को घूर रहा था और फिर धीरे धीरे हिमांशु का शरीर इस कदर अकड़ने लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा है।
और अगले ही पल हिमांशु की हाथ की नसें एक एक करके फटने लगी और फिर एक हाथ हिमांशु के पीठ को चीरता हुआ उसके पेट से बाहर आया और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। मुंह से गिरते हुए खून के साथ साथ हिमांशु भी जमीन पर गिर पड़ा और हिमांशु की मौत हो गई। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे हॉस्टल में फैल गई। लोगों ने बताया कि जिस रूम में हिमांशु रह रहा था वहां पहले रोहित रहता था। रोहित भी BYK में पढ़ने आया था। कॉलेज में रोहित के सीनियर ने उसे रैगिंग के नाम पर बहुत परेशान किया और एक दिन शाम को रोहित के कपड़े उतार उसे पूरे हॉस्टल में नंगा घुमाया था। ये जिल्लत रोहित बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने रूम में अपने हाथों की नसें काट ली और अपनी जान दे दी थी। तब से इस रूम में उस लड़के की आत्मा का वास है और जो भी उस कमरे में रहने जाता है वो कभी वापस नहीं आता और हिमांशु भी अब कभी वापस नहीं आएगा।